दिग्गी चौहान, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। केसरी सिंहपुर मंडी में अन्नपूर्णा योजना के तहत यहां पहुंची दो गाड़ियों का लोकार्पण राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने किया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। अन्नपूर्णा योजना के तहत यहां पहुंची दो गाड़ियों का लोकार्पण राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने किया। बस स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि इससे पहले कभी जनहित के लिए योजनाएं संचालित नहीं हुई। अन्नपूर्णा वैन से 5 रुपये नाश्ता व 8 रुपये पर पेट भोजन मिल रहा है। यह योजना पूरे राजस्थान में चल रही है। इसी के साथ साथ उज्ज्वल योजना के तहत महिलाओं को हजारों गैस कनेक्शन वितरित कर धुएं से रहित चूल्हा भी दिया जा रहा है। पालिका अध्यक्ष कालूराम बाजीगर के प्रयासों से पहुंची इन गाड़ियों से लोगों ने भरपेट नाश्ता व भोजन किया। यहां स्वामी विवेकानंद युवा मंच के सदस्यों सुरेश ढींगड़ा, अमृतपाल सिंह, जसवीर सिंह बाबू व सतवीर सिंह महल ने टीटी व सफाई सेवक को सम्मान प्रतीक प्रदान कर सम्मानित किया। इससे पहले पालिका में पहुंची फोर ब्रिगेड जो गाड़ी का फीता काटकर लोकार्पण किया गया वह इसके चालक को माला पहनाकर स्वागत करते हुए कर्मठता के साथ कर्तव्य का निर्वहन करने की सलाह दी। कहा कि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसे बखूबी निर्वहन करना। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष चिमनलाल धुड़िया, हसदेव बंसल, सोहन छिनवाल, यश पाल मेहरलिया, अशोक गर्ग, पूर्व चेयरमैन बलविंदर सिंह ग्रेवाल, पूर्व प्रधान ओम सोलंकी आदि मौजूद रहे। केसरी सिंहपुर नगर पालिका संचालक की बैठक नगर पालिका अध्यक्ष कालूराम बाजीगर की अध्यक्षता में विभिन्न मुद्दों को लेकर आयोजित की गई। आइए देखते हैं रिपोर्ट। कालूराम बाजीगर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी मुद्दों पर चर्चा की जाकर निर्णय लिए गए। यह नगर निकाय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने हेतु राज्य सरकार से राशि भेजने का निर्णय लिया गया। पालिका में अस्थायी रूप से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर मुकेश फुलिया व कनिष्ठ लिपक लेखाकार दीपक कुमार के साथ माली सुनील कुमार को सताई करने का सर्वसहमति से निर्णय लिया गया। तय बाजारी किराया बढ़ाने की चर्चा पर सभी दुकानों का अलग अलग डाटा तैयार कर अगली बैठक में रखने व इस पर अलग से कर्मचारी लगाने का निर्णय लिया गया। वार्ड 9 में अम्बेडकर भवन के निर्माण का अनुमोदन भी सर्वसहमति से हुआ। पालिका क्षेत्र में आई फायर ब्रिगेड गाड़ी के संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ ड्राइवर व फायरमैन को संविदा पर रखने का निर्णय भी लिया गया। यहां पत्रकारों के भूखंड आवंटन के पत्र भी बोर्ड ने सर्वसहमति से निर्णय लिया। इन्हें राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रदान किया जाए। यहां आवेदित पट्टा आवेदनों पर कार्रवाई न होने पर पार्षदों ने रोष जताया। वहीं निर्माण कार्यों के शुभारंभ की सूचना नहीं देने और कनिष्ठ अभियंता को पालिका अध्यक्ष व पार्षदों ने आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि वार्ड में पहले कार्य करवाने के प्रस्ताव ले लिए गए और बाद में उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। बैठक में पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इंदु बाला, पार्षद सोमनाथ नायक, यशपाल मेहरुलिया, संजय कुमार, वीरेंद्र कुमार, गुरविंदर कौर, नीलम रानी, आशा रानी, मंगत राम, रविंद्र कुक्कड़, सुरेश कुक्कड़, सतनाम बाजीगर, मदन तायल, मदन अरोड़ा, राजेश गर्ग सहित पालिका के कनिष्ठ अभियंता व कर्मचारी मौजूद रहे।